पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक श्री सीताराम वर्मा जी, देवमणि द्विवेदी जी, सूर्यभान सिंह जी, राजेश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, और आज के इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के और अन्य 8 स्थानों पर जहां से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जा रहा है, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, आप सभी की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और 3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में
इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है, 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हरेक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। आज जब
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दिशा से बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर उसे राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण, उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। एक बटन दबाने के साथ ही शिलापट्टिका का उद्घाटन कर दिया गया है, यानी कि अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को एक्सप्रेसवे समर्पित कर दिया गया है और इससे जुड़ी हुई एक पूरी वीडियो तैयार की गई है। आइए वो वीडियो देखते हैं। 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज लैंडिंग की है उनके विमान ने, एयरफोर्स की विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और इससे संदेश साफ गया है कि उत्तर प्रदेश अब तरक्की कर रहा है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो। इसके बाद आपको बता दें कि बुंदेलखंड के इलाके में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है जिसके जरिए यहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे खास होगा डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें बुंदेलखंड को खास तौर पर तवज्जो दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी 19 तारीख को जब बुंदेलखंड की ओर जाएंगे तब वहां पर एक बार फिर से आपको एक नए उत्तर प्रदेश के प्रगति की तस्वीरें नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल, जिसे कई बार माना गया कि पिछड़ा रहा है, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी तुलना करें, लेकिन वहां पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लगातार वहां पर हम देख रहे हैं कि जो विकास के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही पोटेंशियली एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनके तैयार हो जाएगा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।